गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे चुनाव में सोमवार को भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित नागरिकों ने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने सुबह 8 बजे से ही शाम 4 बजे तक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव हो रहा है। गोरखपुर में भी लोगों में काफी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मत मिला है और पूरा विश्वास है कि आम जनता एक तरफा देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से विजय बनाएंगी और उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर जीत हासिल करेंगी। वहीं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन के जनपद में 56 बूथों पर मतदान चला, जिसमें शांतिपूर्वक मतदान हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मीना सिंह, ऋषि कुमार सिंह, संजू सिंह, सुरुचिता राय, सुनीता सिंह, भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी, धीरज सिंह हरीश, भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष अस्मिता चंद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। सर आप लोग क्रम संख्या 42 अंदर तक क्रम संख्या 42 ये करें सर 609 महिला पुरुष क्यों का महिला पुरुष पुरुष है 362 और महिला है इसी के लिए पूरा जुगाड़ लगा हमारी फोटो आ जाए मेरा नाम आ जाए ऐसी वजह है मिलता जुलता कुछ नहीं भाई साहब अब तो रिलैक्स हो गया कल तो छोड़ छोड़ एक सेकंड हाँ आप लगा है उम्मीद है और वोटिंग में ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो क्रम संख्या 120 बाहर बोलिएगा भैया इधर देखिए भैया Yeah.
मेहनत करूँगा। अनिमेश कुमार त्रिपाठी विकास को लेके विकास पढ़ाई लिखाई शिक्षा शिक्षा जगत में शिक्षा अच्छे से चले इसीलिए मैं वोट डाला हूँ। मैं आज मैं मतदाता हूँ भाग संख्या 229 का और ये प्रभु पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग का चुनाव है। इसमें मैंने अपना विकास और उच्च शिक्षा के लिए एक नया आयाम कायम हो इसको मानते हुए अपना मत अपने प्रत्याशी को देकर निकला हूँ। मुद्दा यही विकास है और उच्च शिक्षा जिसके लिए हम लोग उनको चयनित कर रहे हैं वो शिक्षा जगत में एक नया आयाम कायम करें निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर के लोगों को शिक्षा मिले यही उम्मीद के साथ जो है। मीना सिंह आज MLC चुनाव के लिए आपने मतदान किया है। हाँ जी। किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? विकास गोरखपुर का विकास आज 10 साल से जो हम लोग देख रहे हैं इसके पहले इतना विकास कभी हुआ ही नहीं गोरखपुर में और हमको गर्व है अपने मोदी जी पर योगी जी पर और हमारे जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी मैं तो उन लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ। ओके थैंक यू। अच्छा लगा व्यवस्था अच्छी है और हम लोग का रिकॉर्ड है मियां बीवी का कि हम लोग नंबर 1 पे वोट डालते हैं। ऋषि कुमार सिंह देखिए विकास और सुशासन के लिए और चूँकि पढ़े लिखे लोग वहाँ विधानसभा में जाएं तो समाज के लिए बेहतर होगा इसलिए ऐसे लोगों को चुन के भेजना चाहिए जो जुझारी हो कर्मठ हो और मुद्दों के लिए लड़ सके। कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय मंझरिया बिस्टौल में पढ़ाती हूँ और मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी कि आप सब मतदान का अपना प्रयोग करें जिससे ये जनहित की बातें आपका सदन तक पहुँचे और मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि जागरूक रहिए मतदान के लिए और मतदान अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। स्नातक ये मेन मुद्दा यही है कि स्नातक बेरोजगार जो हैं उन पे ध्यान दिया जाए बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए कि कितने हमारे बेरोजगार ऐसे पढ़ के बैठे हुए हैं उनकी बातें सदन तक पहुँचे। मेरा नाम संजू सिंह है। कहाँ के रहने वाले? ये गोरखपुर के है। आपने वोटिंग किया है मुद्दों को लेकर? ताकि मेरा सबसे पहला है कि पुराना पेंशन भी लागू हो जाए और मेरा तो सबसे पहले यही है। ये तो शिक्षा का वोट जी और सारी सुविधाएं अच्छी हो रुचिकर है। मैं जो हमारे अधिकारियों के लिए लड़ेगा उसी के लिए मैंने वोट दिया। क्या क्या मुद्दों को लेकर? क्या शिक्षा शिक्षक मतलब आजकल भर्तियां आ नहीं रही है तो उसी मुद्दों पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए आवाज़ उठाई जाए इसीलिए हम लोगों ने वोट किया आज। सुनीता सिंह जी आज हमें अपने अधिकारों का उपयोग किया है और आज MLC का चुनाव है इसलिए मैं वोटिंग करने आई हूँ। क्या मुद्दों को आपने? अरे भाई एक अच्छा नेता चाहिए ना हम लोगों को इतना नेता चुना है। आज आपने वोटिंग किया किन मुद्दों पे? मतदान मुद्दों को लेकर होता नहीं मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और दल के सिपाही के दृष्टि से मतदान करने आया हूँ। मतदान करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है मतदाता के रूप में आज उसी दृष्टि से मैं आया हूँ। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का आज मतदान है चूँकि हम लोग छात्र राजनीति से निकले हुए व्यक्ति हैं
स्नातक मतदाताओं का इसमें बहुत अहम भूमिका रहती है। तो हमने अपने मताधिकार का प्रयोग इस विश्वास के साथ किया है कि जिन मजबूत हाथों में हम अपना नेतृत्व देंगे, हमें आशा और विश्वास है कि छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं सभी के इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का और स्वाभिमान का ख्याल रखा जाएगा। और मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करके स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। आज गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव का आज मतदान का दिन है और हम सभी जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी माननीय देवेंद्र सिंह जी के जीत की कामना करते हैं और निश्चित रूप से जो है एक ऐतिहासिक जीत होगी। भैया जो है हमेशा जो है सड़क से लेकर के जो है सदन तक जो ज़रूरतमंद है उनकी आवाज़ उठाते चले आए हैं और उनका यही सब देख करके छात्र जीवन से ही जो है वो राजनीति क्षेत्र में रहे हैं। इतना संघर्षशील उनका व्यक्तित्व रहा है, इन सब चीज़ों को देख करके भारतीय जनता पार्टी जो है अपना उनको अधिकृत प्रत्याशी बनाई है और निश्चित रूप से जो है वो यहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी आवाज़ उठाएंगे, उस चीज़ को पूरा करने का वो काम करेंगे। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। गोरखपुर में भी बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मत उनको मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि आम जनता जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है, योगी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। मुझे विश्वास है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और एक ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश की 5 सीटें हम जीत रहे हैं, लेकिन गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक मतों से, सबसे अधिक मतों से जीत कर हम सब जाएंगे। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन के 56 बूथों पर इस समय मतदान चल रहा है। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। माननीय आयुक्त महोदय जो आरओ साहब भी हैं और डीआईजी साहब साथ में भ्रमण कर रहे हैं, उनके साथ मैं भी एक दो स्थल पर गया था। जनपद में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, एडिशनल एसपी साहबान, सीओ साहबान और पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात है। अब तक लगभग 25% की पोलिंग हो गई है। मेरा अनुरोध है कि 4 बजे तक पोलिंग होगी, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हों आएँ और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। कहीं पर किसी प्रकार घटना नहीं, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है। धन्यवाद।